लूंगा किंगफिश वर्ल्ड के ऊपर है, देख लीजिए ये। बहुत से लोगों में एक मेरी ऐप होती है, अमीरों के बच्चे अमीर दादे है कहलाते हैं, उन्हें में से एक है खलील भाई। इनके शौक देखे तो एकदम नवाबी, खलील भाई देखे तो ज्यादा सुर्खियों में आते। इनके शौक है पूरे नवाबी जैसे शेर पालना, चीता पालना, लॉयन पालना, लामा पालना, इमो पालना, स्नेक पालना। इनको देखे तो हरे जानवर घूमना चाहते, खुद को एक अलग नजरिए से बताते। इन्होंने इंडिया के अच्छे पेटे लवर है, बच्चों की जुबान पे सिर्फ इनका नाम रहता खलील भाई। कैट लाए, डॉग लाए, स्नेक लाए, हैदराबाद के बोटे बच्चों के पीछे पागल, बच्चियां देखे तो बिल्लियों के पीछे पागल। खलील भाई को देखे तो जानवर से मोहब्बत। ट्रिप लाइए, बंगाल टाइगर आपने सुना, लेकिन यहाँ बंगाल के किंग यहाँ पर आए हैं, लेकिन बंगाल है नाम इनका टाइगरिश है, असद के माने टाइगर के होते हैं। टाइगर जिंदा है, असद हमारे साथ है। प्लीज गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू आई स्पेसिफिकली कम फ्रॉम बंगाल। लेपर्ड टाइप कैट के लिए उन्हें ट्रॉफी, बंगाली बेस्ट बंगाली कैट अवार्ड ट्रॉफी उन्हें पेश की जा रही है कॉम्प्लीमेंट्री तौर पर। बेस्ट बंगाल कैट और मोहम्मद खलील साहब किंग फिश वर्ल्ड के किंग के जानिब से दिया जाएगा लेपर्ड टाइप की बंगाली कैट। जादू ऐसा डाला रे, ऐसा जादू डाला रे, आज यहाँ पे बंगाल का जादू है, बंगाली बिल्ली है ये, क्या बोलते हैं बंगाली बिल्ली। आसाम मौसमी चटर्जी भी वही चीज है, बंगाल की है। मिथुन चक्रवर्ती, रिम झिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन, उसमें जो हीरोइन को दिखा रहा ना मौसमी चटर्जी, कैसी ब्यूटी रहती वो रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूँ मैं आपको, समझ गया ना, इंसान से लेके बिल्ली तक। सुपर लेपर्ड और मोहम्मद खलील साहब की जानिब से, किंग फिश पेट हब के ओनर की जानिब से असद भाई को ये दिया जा रहा है। लेपर्ड टाइप के अपने आप में सुपर यूनिक है ये, इसका स्किन टेक्सचर देखिए लेपर्ड का है, इसीलिए इसका ज्यादा सिग्निफिकेंस है। इस एक्टिव कैट में बंगाल में जो अवेश भाई है, अवेश भाई के घर पे पालते हैं, ये हमारे शॉप के मैनेजमेंट संभालते हैं, जो मैनेजर है किंग फिश वर्ल्ड के, इनके पास 7 से 8 बंगाल्स है जो बंगाल ब्रीड्स वगैरह एवरीथिंग करते, और सब में ज्यादा सपोर्ट जो शो के लिए अवेश भाई का भी बहुत ज्यादा है। तो हमारी टीम है, टीम में 40 मेंबर्स है, 40 मेंबर्स दिन और रात करके काम करे, कई सारे उसमें लड़कीज है, बच्चे है, बच्चियां हैं, सब सारे मेहनत करे और मेरी फैमिली तक मेहनत करी ये शो को हिट कराने के लिए। अल्लाह ताला मुझे इस मुकाम पे पहुंचाया कि हर किसी को अवार्ड्स मिले। वैसा बंगाल कैट कैटेगरी में मिस्टर असद को ये प्रेस्टीजियस अवार्ड दिया जा रहा है ओनर एंड कोऑर्डिनेटर किंग फिश पेट हब मोहम्मद खलील साहब के जानिब से। अवार्ड देते हुए, रिसीव करते हुए सुपर क्लिपिंग में सिंगल विंडो में आप दोनों को देख सकते हैं हमारे इस तेलंगाना कैनाइन एसोसिएशन के इस हैदराबाद कैट क्रिमिनल, और सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन भी दिया जा रहा है हैदराबाद कैट लेवल की जानिब से। ऐसे जबरदस्त बिल्लियों को लेके आए, बिल्लियां एक से बढ़कर एक, यहाँ पर लेंथी बिल्ली है ये, इसकी हाइट सुपर ब्लू कलर्ड है ये, सागर जैसी आंखों वाली, ये तो बता तेरा नाम है क्या, ऐसी भाई ऐसी शानदार बिल्ली यहाँ पे पेश करके सबके दिल को जीत लिए। ऐसी भी बिल्ली रहती, ऐसे भी लिपोर्ट टाइप की रहती बोल के बता रहे हैं, सुपर डरम कैट जिसे कह सकते हैं, सुपर बेस्ट कैट आपके लिए लेकर आए, वन ऑफ द बेस्ट कैट यहाँ पर, बेस्ट बंगाल कैट यहाँ पर पेश किए हैं हम, आपका सुपर स्पेशल थैंक अदा करते हैं, हाई ग्रेटिट्यूड नल आपको ग्रेटिट्यूड यहाँ पर पेश करते हैं। पोस्ट एक्टिव कार्ड हिमालयन बंगाली कार्ड, अभी बंगाल के हो रहे थे मेरा दिल इतने भर रहा जी, कितने अच्छे बिल्लियां हो रहे हैं। तो अभी एक और एक बेस्ट बंगाली कैट अवार्ड मोहम्मद अवेश को, ये एक्टिव है, सुपर एक्टिव, हाइपर एक्टिव बिल्ली है क्या, आप बोलने से पहले समझ जाती है इतने इसका इयरिंग सेंसिव एक्टिवनेस बता रहे हैं। सुपर एक्टिव बिल्ली के लिए मोहम्मद अवेश को ये सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन यहाँ पर पेश किया जाता है मोहम्मद खलील साहब की जानिब से, किंग फिश पेट हब के मालिक की जानिब से यहाँ पर दिया जा रहा है इस बेस्ट
हिमालयन कैट के पैट्रॉन मोहम्मद ओवैसी।